Assalamu alaikum students. Welcome back to our online classes. और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा कंटिन्यू है अभी. HTML में छवियों ने व्यवस्थापन चैप्टर का नाम है. HTML में छवि मतलब इमेजेस जो है उसको कैसे लाने हैं उसके बारे में, अलग अलग कौन सी चीज़ें और उसको हम लोग कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं. ठीक है, अब ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2. पार्ट 1 जो था उसमें हमने देखे थे बेसिक, जो HTML में मतलब बेसिक तो नहीं, मतलब जो HTML में जो इमेजेस हमको लानी है वो इमेजेस कौन से टाइप्स की आती है, जिसका एक कोष्टक हमने देखे थे जिसमें 6 अलग अलग फाइल के टाइप्स थे और उसके थोड़ी बात उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर. BMP फाइल हो गया, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, तो वो सारी चीज़ हमने देखी. उसके बाद एक हमने टैग देखे थे IMG, जो इमेज इंसर्ट करवानी है अगर हमको तो उसके बारे में कौन सा टैग है हमारा HTML के लिए. तो HTML में IMG टैग है. एम्प्टी टैग है, खाली टैग है, जिसमें क्या है जिसको स्टार्ट करेंगे और इसको एंड करने की ज़रूरत नहीं है तो वो उसको बोलेंगे खाली टैग. और उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स थे जिसका हमने एग्जाम्पल देखे थे और एट्रीब्यूट्स सारे हुए नहीं, अभी 3 हुए थे. पहला था SRC जो इमेज का नाम डिफाइन करेगा, जो इमेज हमको लानी है वो. उसके बाद था ऑल्ट, और अगर इमेज नहीं आ रही है किसी वजह से तो इमेज की जगह कोई कंटेंट लिखा हुआ हमको दिखाना था तो उसके लिए ऑल्ट एट्रीब्यूट है उसका. उसके बाद है हाइट और विड्थ. ये 3 चीज़ें हमने देखे थे. हाइट और विड्थ में क्या होता था कि अगर हमको हमारी इमेज की साइज़ डिफाइन करनी है कि इतनी हाइट और इतनी साइज़, यानी कि हाइट यानी कितनी लंबी होगी इमेज और विड्थ मतलब कितनी चौड़ी होगी इमेज, वो ये 2 चीज़ें हमको डिफाइन करनी होती है. पर इसकी जो वैल्यू आएगी कि हाइट इक्वल टू कितनी लेनी, तो वो वैल्यू हम पिक्सल में देते थे. मैंने बताया था कि वो जैसे कि हाइट इक्वल टू हमने डबल कोट में दी 120, तो 120 पिक्सल की जो वैल्यू होगी वो साइज की इमेज वहाँ पे वो हाइट में ले लेगा. सेम विड्थ के लिए 120 दिए तो विड्थ 120 पिक्सल की जो विड्थ होगी उतनी विड्थ की वो इमेज अपने आउटपुट में ले लेगा. ठीक है, ये 3 एट्रीब्यूट देखे थे हमने. अब आगे बढ़ेंगे IMG टैग के एट्रीब्यूट्स अगर दूसरे है तो वो है नंबर 4 पर आएगा अलाइन गुणधर्म. अब अलाइन क्या होता है, अलाइन मतलब सबको पता है जैसा कि अगर हमने कोई कंटेंट हमारा लिखा हुआ है, कोई भी इमेज ली है, उसको हमारे पेज पे कहाँ पे डिफाइन करना है, लेफ्ट साइड में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट साइड में रखना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अलाइन में. तो अलाइन में क्या होगा तो आप देख सकते हो, अलाइन गुणधर्म में छबी एटले कि इमेज ने पानानी अंदर अथवा छबी धरावता कोई पण एलिमेंट में गोठवे छे અને નીચે અલાઇન ગુણધર્મની વિવિધ કિંમતની સમજ આપેલ છે. અબ અલાઇન ઇક્વલ ટુ કોન સી વેલ્યુ આયેગી, તો અલાઇન ઇક્વલ ટુ મેં ટોટલ 6 વેલ્યુ આયેગી. વન બાય વન દેખેંગે, સબસે પહેલા આયેગા લેફ્ટ. અબ અલાઇન હમને ઇક્વલ ટુ ડબલ કોટ મેં લેફ્ટ લિખા, ઇસકા મતલબ ક્યા હોગા કે છબી વિન્ડોની ડાબી બાજુ ગોઠવાય છે. અલાઇન ઇક્વલ ટુ રાઇટ કા મતલબ ક્યા હોગા, તો છબી વિન્ડોની જમણી બાજુ ગોઠવાય છે. ટોપ ઇક્વલ ટુ છબી લખાણની હાલની લીટીના ઉપરના ભાગમાં ગોઠવાય છે. મિડલ ઇક્વલ ટુ છબી એ રીતે ગોઠવાય છે કે છબીનો મધ્ય ભાગ મતલબ સેન્ટર કા જો પોઈન્ટ હોગા વો હાલના લખાણ પાસે દેખાય છે. અને લાસ્ટમાં આયેગા બોટમ, બોટમ મતલબ સબસે નીચે, તો છબીનો છેક નીચેનો ભાગ લખાણની લીટી સાથે ગોઠવાય છે. યે હોગા અલાઇન એટ્રીબ્યુટ. ઇસકા એક્ઝામ્પલ દેખેંગે તો એક્ઝામ્પલ દેખ સકતો, IMG ટેક લિયા હૈ ઓર ઉસમે SRC ઇક્વલ ટુ ક્યા દિયા હૈ, SRC ઇક્વલ ટુ ચોકલેટ 1.jpg વો ક્યા હૈ ફાઇલ કા નામ હૈ, તો યે નામ કી ફાઇલ હમકો ડિસ્પ્લે કરવાની હૈ. और ऑल्ट इक्वल टू हमने दिया है हियर कम्स द स्वीट इमेज. ऑल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वजह से इमेज लोड नहीं हुई, चॉकलेट 1 नाम की जो इमेज है वो लोड नहीं हुई किसी वजह से, तो उसकी जगह ये कुछ लिखा हुआ हमको आ जाना चाहिए, तो वो लिखा हुआ क्या है तो वो हम देंगे ऑल्ट में. ऑल्ट इक्वल टू जो भी देंगे हम लोग कि हियर कम्स द स्वीट इमेज, ये लिखा है हमने. अब किसी वजह से चॉकलेट वाली इमेज नहीं आ सकी तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ आएगा, तो ये कंटेंट लिखा हुआ आएगा. मतलब इमेज आएगी या तो ये कंटेंट लिखा हुआ आएगा, अगर इमेज आ गई तो कंटेंट नहीं आएगा लिखा हुआ ये, और अगर इमेज नहीं आ पाई किसी वजह से तो कंटेंट ये लिखा हुआ आ जाएगा. और अलाइन इक्वल टू राइट डे, इसका मतलब क्या होगा, राइट का मतलब क्या, छबी विंडो ने जमनी बाजू गोठवाई है, मतलब जो पेज होगा हमारा जहाँ पे इमेज आ रही है वो क्या होगी, इमेज पेज की राइट साइड में आएगी. तो ये था अलाइन गुणधर्म. अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक आएगा बॉर्डर. बॉर्डर गुणधर्म क्या करेगा, तो बॉर्डर गुणधर्म छबी ने फरते किनारी मतलब बॉर्डर दोरी ने छबी ने वधु आकर्षक बनावे छे. बॉर्डर यानी पहोळाई पिक्सल में दर्शावे छे. अब आपने इमेज कोई ली, अब इमेज की चारों साइड आपको क्या करना है, एक बाउंड्री एक बॉर्डर डिफाइन करनी है, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट है हमारा. अब इसमें क्या, इसमें भी पहोड़ाई यानी कि पिक्सल जो हमने बॉर्डर ली है वो बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो तो वो वैल्यू हम लोग क्या देंगे, पिक्सल के अंदर देंगे. ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे. तो एग्जाम्पल में दिया IMG SRC इक्वल टू चॉकलेट 1.jpg, ऑल्ट इक्वल टू हियर कम्स द स्वीट इमेज, अलाइन राइट किया हुआ है, और बॉर्डर क्या किया है, बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट में लिखा है 20. इसका मतलब क्या होगा, 20 पिक्सल की साइज की एक बॉर्डर लेगा चारों साइड पे, इमेज जो होगी उसकी बाउंड्री आएगी 20 पिक्सल की वैल्यू में.
अब आगे बढ़ेंगे तो छठा गुणधर्म आएगा हमारा आईडी। इमेज टेगना आईडी गुणधर्मनी मदद थी छबी ने कोई ओळख नाम आपी शकाय छे जेने पछी जावा जेवी प्रोग्रामिंग भाषामां लखाती स्क्रिप्टमां ते नामथी संबोधी शकाय छे। अब ये थोड़ा समझ में घिसाय के आपने कोई इमेज ले ली चॉकलेट वन डॉट जेपीजी, ठीक है। अब उसको आपको प्रोग्रामिंग में यूज करना है जावा में या सी लैंग्वेज में, तो आप किसे यूज करोगे उसके लिए? तो उसको आपको एक यूनिक नाम देना होगा। आईडी मतलब क्या? किसी चीज को यूनिक नाम देना, कि वो नाम किसी और का नहीं हो सकता है। तो वैसे हमने आईडी इक्वल टू कोई इमेज को नाम दे दिया हमने। अब वो आईडी जो वैल्यू दी हमने नाम में, उस नाम से हम उसी इमेज का दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हैं। अब देख सकते हो एग्जाम्पल में कि आई एम जी एस आर इक्वल टू चॉकलेट वन डॉट जेपीजी, और आईडी क्या दी हमने चोको इमेज, ठीक है, सी एच ओ सी ओ डैश करके इमेज। इसका मतलब क्या होगा, ये आईडी जो है ना चोको इमेज, इस नाम से हम किसी और लैंग्वेज में भी हमारी सेम इमेज का यूज कर सकते हैं। लिखा है ना जावा जेवी प्रोग्रामिंग भाषा में लखाती स्क्रिप्ट में तेना नाम ते नाम थी तेने संबोधी शकाय छे। अब आगे बढ़ेंगे तो एक आएगा सातवा एट्रीब्यूट हमारा एच स्पेस और वी स्पेस। तो जयरे कोई छबी लखाणनी बिल्कुल अडोअड हो, मतलब आपने कुछ कंटेंट लिखा हो उसके नीचे सेम इमेज डिस्प्ले करवाई आपने, तो वो कंटेंट से क्या होगा, बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएगी इमेज। अब वो ज्वाइंट नहीं करवाना, तो उसके लिए हमारे दो एट्रीब्यूट है, एक है एच स्पेस एक है वी स्पेस। अब देखेंगे क्या है ये। तो जयरे कोई छबी लखाणनी बिल्कुल अडोअड हो, मतलब बिल्कुल ज्वाइंट होगा अगर, अने जराय जगह न देखाती हो, त्यारे आई एम जी टेगना एच स्पेस अने वी स्पेस ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, છબીને ચારે બાજુ જગ્યા છોડવાની છબી જોવામાં વધુ સ્પષ્ટ બને છે। અબ આપને કોઈ કન્ટેન્ટ લિખા હૈ, ઠીક હૈ, ઉસકે પાસ મેં આપને એક ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરવાઈ હૈ। અબ ક્યા હોતા હૈ, ઇમેજ ઓર કન્ટેન્ટ બિલકુલ એક દૂસરે કે નીચે જોઇન્ટમાં આ ગયે, મતલબ બિલકુલ ભી સ્પેસ નહીં હૈ। દેખને વાલે કો ક્યા લગ રહા હૈ, મતલબ કુછ એકદમ ઓકવર્ડ લગ રહા હૈ ઉસકો। તો આપકો ક્યા કરના હૈ, કન્ટેન્ટ જો લિખા હુઆ હૈ વો ઓર ઉસકે નીચે ઉસકી જો ઇમેજ આ રહી હૈ, વો દોનો કે બીચ મેં સ્પેસ આપકો લેની હૈ। આપકો સ્પેસ લેની હૈ અગર, તો યહાં પે આપ ક્યા દોગે, યહાં પે દો, અબ એક હૈ એચ સ્પેસ और वी स्पेस। तो एच स्पेस क्या है और वी स्पेस क्या है? अब एच स्पेस का जो फुल फॉर्म बनेगा वो होगा हॉरिजॉन्टल स्पेस, और वी स्पेस का बनेगा वर्टिकल स्पेस। देखेंगे अभी आगे। तो छबीनी ऊपर अने नीचेना भाग भागे खाली जगह उमेरवा माटे वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस नो उपयोग करवामां आवे छे। अब आपको इमेज है, अब इमेज की चार साइड है, ठीक है, एक सबसे ऊपर है, एक सबसे नीचे है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, ठीक है। अब ऊपर और नीचे आपको थोड़ी स्पेस छोड़नी है अगर, तो आप क्या करोगे, एच स्पेस का यूज करोगे, सॉरी वी स्पेस का यूज करोगे। अने ज्यादा छबी नी डाबे तथा जमणी बाजू, अब ऊपर का और नीचे का हो गया, बची दो साइड कौन सी, तो जमणी बाजू और अने डाबी बाजू। तो ज्यादा छबी नी डाबे तथा जमणी बाजू खाली जगह दर्शा हुआ एच स्पेस गुणधर्म नो उपयोग करवामां आवे छे। देख सकते एग्जाम्पल हम लोग, अब यहाँ पे भी जो वैल्यू है ना वो भी पिक्सल में आएगी। 30 दिए यहाँ पे, जैसे कि एच स्पेस इक्वल टू डबल कोट में 30 लिखा हुआ है, और वी स्पेस इक्वल टू डबल कोट में 10 लिखा हुआ, तो ये वैल्यू भी क्या है, पिक्सल में, मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी इमेज टैग में वो सब पिक्सल के अंदर आएगी। तो देख सकते हो एग्जांपल, आप इमेज आई एम जी एस आर से इक्वल टू चॉकलेट इमेज का नाम दिया, और एच स्पेस इक्वल टू क्या दिया, 30, और वी स्पेस इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, 30 की स्पेस छोड़ेगा एच स्पेस की जगह पे, मतलब डाबी यानी जमणी बाजू, और वी स्पेस के लिए क्या है, तो ऊपर और नीचे, तो उसके लिए 10-10 की वैल्यू छोड़ेगा, मतलब उतनी स्पेस वो छोड़ेगा वहां से, जिससे क्या होगा, तो कंटेंट से इमेज थोड़ा अलग दिखेगी, मतलब थोड़ी बीच में अगर स्पेस आ जाएगी थोड़ी खुला हुआ दिखेगा इमेज। और लास्ट में एक सबसे हमारा लास्ट में गुणधर्म जो है आई एन जी टैग का, तो वो है लो एस आर सी। तो आ गुणधर्म ओछा रिजोल्यूशन वाली छबी ने दर्शावे थे, कोई पण छबी ने पेंट के अन्य इमेज एडिटिंग टूल नी रिसाइज अथवा क्रॉप वगैरह टेक्निक नो उपयोग करीने ओछा रिजोल्यूशन वाली बनावी शकाय छे। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, तो रिजोल्यूशन मतलब इमेज की क्वालिटी। अब आपने अपने अपने मोबाइल के कैमरे से आपने कोई इमेज कैप्चर किया, कोई फोटो लिया आपने, तो वो क्या हो, 2-3 MB का एक फोटो हो जाता है। अब जितनी साइज ज्यादा होगी इमेज की फोटो की, तो उतना ही वो क्या होगा, लोड होने में ज्यादा टाइम लेगा इमेज। इमेज में क्या होगा, इमेज रिजोल्यूशन में रिजोल्यूशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो लोड ज्यादा लेगी। लोड ज्यादा लेगी तो क्या होगा, वो मतलब कंटेंट आ जाएगा, इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, ऐसा होगा। तो नेट की स्पीड, जब स्पीड में ज्यादा होगी नेट की स्पीड, तो वो क्या होगा, लोड तो हो जाएगी, पर जब नेट की स्पीड अगर कम है तो क्या होगा, वो लोड होने में टाइम लेगी। तो रिजोल्यूशन अगर कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि इमेज माइक्रोसॉफ्ट का पेंट हो गया या दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिसाइज करके उसकी इमेज छोटी करेंगे या उसको क्रॉप करेंगे इमेज को।
एग्जाम्पल देख सकता है, आई एम जी एस आर सी इक्वल टू चॉकलेट 1.jpg, लो एस आर सी इक्वल टू रेनबो .bmp। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। ये आई एम जी टैग है हमारा एट्रीब्यूट, सॉरी आई एन जी टैग है जो हमारा एच टी एम एल का, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स थे आठ, वो आठों आठ हमने देख लिया अभी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक प्रैक्टिकल का वीडियो बनेगा जिसमें आठों आठ जो हमारा एट्रीब्यूट है सबका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल देखेंगे किसका आउटपुट कैसे आ रहा है, कौन सा टैग कौन सा एट्रीब्यूट कैसे काम कर रहा है वो। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।